आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तीन चीजों से बनने वाली इतना बढ़िया यम्मी टेस्टी पेड़ा की रेसिपी, जिसे आप लोग अपने घर पे आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीका से बना के तैयार किया है, बिना खोआ, बिना मावा, बिना चाशनी, बिना मिल्क पाउडर, बिना दूध के मैंने इस पेड़े को बना के तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ये हमारा पेड़ा रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पीएम रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ मार्केट में मिलने वाली महंगी पेड़ा की रेसिपी, जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। आज मैं इस पेड़ा रेसिपी को बहुत ही आसान तरीका से बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। और बहुत ही कम सामान में मैं इस पेड़ा रेसिपी को बना के तैयार करूँगी। अगर मेरा आज की पेड़ा रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं जो आप लोगों के साथ पेड़ा रेसिपी या शेयर कर रही हूँ, बिना खोआ, बिना मावा, बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर, बिना चाशनी के आज मैं इस पेड़ा रेसिपी को बना के तैयार करूँगी। बिल्कुल एकदम मार्केट में मिलने वाला पेड़ा जैसे आप लोग खरीदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एकदम यह टेस्टी यम्मी हमारा पेड़ा रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा रेसिपी बनाने के लिए लिया है एक कप, ये हमारा मैदा है, यानी कि ये 100 ग्राम मैदा होगा माप में। तो इसी मेजरमेंट से आज मैं आप लोगों को जैसे ही बताऊंगी, आप लोग इसी मेजरमेंट से अगर इस रेसिपी को बनाएंगे तो यह आपकी रेसिपी बहुत ही एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। बहुत ही यम्मी टेस्टी आज की पेड़ा रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरफ, इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पेड़ा रेसिपी बनाने के लिए फ्रेंड्स गैस को ऑन करके यहाँ पे एक पैन को रख दिया है। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 चम्मच घी। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी ऐड कर दी हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने गाय का घी लिया है, आप कोई भी घी ले सकते हैं, मार्केट वाला भी या घर का बना हुआ घी ले सकते हैं, लेकिन आज का ये जो पेड़ा रेसिपी मैं बना रही हूँ आप लोग को इसे घी में ही बनाना है, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप लोग जब भी बनाएं इस पेड़ा रेसिपी को तो आप लोग घी में ही बनाएं, तेल में या अच्छे से बनके नहीं तैयार होगा और उसका खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड जब कभी भी आप लोग बनाएं तो देसी घी में ही बनाएं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने 2 से 2.5 चम्मच घी को इसमें ऐड कर दिया है। तो घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दूंगी और 1 कप इस मैदे को मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पे मैं अच्छे से 4 से 5 मिनट तक भून लूंगी। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल एकदम मीडियम पे रखना है, तभी यह हमारी एकदम से व्हाइट मिठाई बनके तैयार होगी। तो चलिए धीरे धीरे इसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट आटे को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अभी ये हमारा जो है मैदा भी ड्राई लग रहा है, तो इसमें मैं 2 चम्मच घी को और ऐड करूंगी। तो अभी ये हमारा ड्राई है तो इसमें 2 चम्मच मैं घी को और ऐड कर देती हूँ। तो चलिए 2 चम्मच घी को और ऐड कर देते हैं। अब 2 चम्मच घी को डाल के इसमें मैं अच्छे से और इसको मैं भून लेती हूँ। तो हमें इसका एकदम से डो बनना चाहिए, तब तक हमें इसे घी इसमें मिलाते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा घी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही घी इसमें हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 4 चम्मच घी को ऐड कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा डो के फॉर्म में धीरे धीरे आना मैदा शुरू हो गया है। इसमें घी अगर कम लगेगा तो इसमें घी मैं और डाल दूंगी। तब तक मैं इसे घी रिलीज होने तक मैदे को अच्छे से मैं भून लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे भूनना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं भूनना है। तो हमारी ये पेड़ा बर्फी जो है एकदम बिल्कुल व्हाइट बन के तैयार होगी। अगर थोड़ा भी हम इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे तो ये लाल पड़ना शुरू हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा धीरे धीरे डो बनना यानी कि शुरू हो गया है। तो अभी हम इसमें घी को नहीं ऐड करेंगे, अभी इसे मैं धीरे धीरे ही ऐसे तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैं और भून लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा ये आटा सूखा लग रहा है, तो इसमें 1 चम्मच मैं घी को और ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी जो है मैदे को रिलीज होकर धीरे धीरे ये छोड़ रहा है पैन को, तो हमें इसी स्टेज पे इसे अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए मैं 1 से 2 मिनट इसे और भून लेती हूँ। यहाँ पे इसी तरह से हमें इसका टेक्सचर चाहिए, तो बिल्कुल एकदम ये परफेक्ट है। अब मैं इसके साथ ऐड कर देती हूँ यहाँ पे 2 इलायची कुटी हुई हूँ। इससे डालने से हमारा पेड़ा जो है इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा और अच्छे से इसमें खुशबू आ जाएगी, खाने में इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। तो अभी मैं इसमें इलायची को डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ मैदे के साथ में। तो यहाँ पे हमारा डो बनना शुरू हो गया फ्रेंड। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं देख लेती हूँ। तो अभी मैं पैन से इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं मैदा में भुने हुए डालूंगी 4 चम्मच, ये हमारी भुनी चीनी है। तो 1 कप मैदा में मैंने आधा कप से कम यानी कि 25 ग्राम लगभग यानी 4 चम्मच ये हमारी शुगर है इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान देना है कि हमारा बैटर ये गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना रहे, तभी इसमें हमें इसे चीनी को ऐड करना है। तो अभी मैं चीनी के डाल के इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें मीठा कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच शुगर को और ऐड कर देती हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बनना बिल्कुल अच्छे से शुरू हो गया है पेड़ा बनाने के लिए। तो चलिए मैं इसका पेड़ा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 100 ग्राम मैदा के साथ मैंने 50 ग्राम चीनी को ऐड किया है, यानी 1 कप मैदा था तो आधा कप मैंने चीनी को पीस लिया था। तो यहाँ पे मैंने डो अच्छे से बनना शुरू हो गया है। तो यानी 100 ग्राम मैदा के साथ 50 ग्राम चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने पसंद से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप 1-2 चम्मच इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर मीठा खाना कम पसंद है तो इसमें से 1-2 चम्मच आप कम कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मीठा खाना पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका पेड़ा बना लेती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका पेड़ा डो बन के तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हमें हाथ में गोल करना है और बीच में प्रेस करते हुए इस तरह से दबा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा पेड़ा बनके तैयार हो रहा है। तो पहले गोल करना है, बीच में दबा देना है, फिर साइड साइड से हमें इसे चिकना कर देना है। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा पेड़ा बनके तैयार हुआ है। कोई बता नहीं सकता है कि ये घर की बनाई हुई हमारी मिठाई। चलिए फ्रेंड, इसी तरह से सारी मैं मिठाई को बना लेती हूँ पेड़ा रेसिपी को। तो एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से गोल करना है, बीच से दबा देना है, साइड साइड से हमें चिकना करते हुए इसको पेड़े का एकदम बिल्कुल शेप दे देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम पेड़े जैसा शेप मैंने दे दिया है। तो चलिए इसी तरह से मैं सारे पेड़े को बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी मिठाई को मैंने पेड़े को अच्छे से बना लिया है, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली जैसे आप लोग को पेड़ा रेसिपी दिख रही होगी। तो चलिए इसे ड्राई फ्रूट से पहले मैं डेकोरेट कर लेती हूँ, यानी अच्छे से इसको मैं सजा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे पेड़ा रेसिपी को बना लिया है फ्रेंड्स, ये देख ले बिल्कुल मार्केट जैसे आप लोग को दिख रहा है। तो चलिए इसे मैं ड्राई फ्रूट से थोड़ा इसको मैं सर्व कर लेती हूँ, अच्छे से गार्निश कर देती हूँ। तो चलिए मैं आपको गार्निश करके इसे दिखाती हूँ ड्राई फ्रूट से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ड्राई फ्रूट से पेड़ा रेसिपी को अच्छे से सर्व कर लिया है, बिल्कुल मार्केट जैसे हमारी ये पेड़ा रेसिपी आप लोग को दिख रही होगी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी हमारी ये पेड़ा रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो मैं आपको दोनों तरफ से इसे दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया, कितना यम्मी और टेस्टी हमारी ये पेड़ा रेसिपी बनके तैयार हुई है। कोई बता नहीं सकता है कि यह मैदे अकेले से हमारी पेड़ा रेसिपी बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो मार्केट से क्यों लाएं, हम अपने घर पे इस तरह से टेस्टी यम्मी मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। अगर कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार या घर में कोई फंक्शन है तो झटपट में मैदे से हम इस तरह से पेड़ा रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया हमारा पेड़ा रेसिपी ये बनके तैयार हुआ। तो आप लोग 1 कप मैदा से किसी फेस्टिवल में या कभी भी ऐसे ही आपका मीठा खाने का मन करता है तो आप बिल्कुल एकदम मार्केट जैसे मिठाई बना के पेड़ा इस तरह से तैयार कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड कितना टेस्टी यम्मी हमारा पेड़ा रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो आज की हमारी ये मैदा पेड़ा मिठाई आप लोग को कैसे लगी? अगर आज की पेड़ा रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही पेड़ा रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।